खंडवा जिले के मोदीनगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा पहुंचे और कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नगर में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को विजय बनाने की अपील की। मांधाता में भाजपा नेताओं के दौरे लगातार जारी है। तीसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा हो चुका है। बुधवार को भी सीएम शिवराज मांधाता के सुलगांव में आ रहे हैं। मोदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। विधानसभाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगातार उनके बीच में रहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लगातार जनता और जनार्दन के बीच में रहते हैं। वो 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता उनके लिए देवता के तुल्य के रूप में है और वो उनके सेवक के रूप में है, तो हमेशा सेवा के रूप में उनके बीच में उपस्थित रहते हैं। सो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके बीच में है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी किल्लोद में सभा कर रहे हैं और जनता जनार्दन को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य वो सतत और अनवरत कर रहे हैं, ये उनके स्वभाव में है। वो लगातार जनता की सेवा के बीच में जनता के बीच में रहते हैं जी। अच्छी बात है, आपने उनका मूल्यांकन किया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे में से 18 घंटे जनता जनार्दन के बीच में सेवारत रहते हैं। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी क्या कहिए कि हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और जनता जनार्दन उनकी सबकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र कमल का फूल है और सबके जो विचार एक है, मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को स्थायित्व देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। और जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में गया हूँ, अभी हमारे विधानसभा के प्रभारी संतोष राठौर जी, पूनम चंद पटवारी जी, बलराम दावटा जी, इनके माध्यम से यहाँ पर मंडल की रचना बनी है, मंडल के माध्यम से सेक्टर की और सेक्टर के माध्यम से बूथ की जो रचना बनी, और बूथ की रचना बनने के बाद मैं मंडलों में बूथ के कार्यकर्ताओं से मैंने सीधा संवाद किया है, तो संवाद में जो बातें निकल कर आई कि 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जनता जो है और वो किसान जो है अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है। जो बेरोजगारी भत्ते के नाम पर 4000 के जो झूठा ढकोसला दिया था सरकार ने, कांग्रेस ने, उसके बाद में जो ऋण माफ़ी की जो झूठी बातें की थी और पिछड़ा वर्ग को जो गुमराह करने का काम किया था, उन सबका बदला लेने के लिए वो एक एक कार्यकर्ता 3 तारीख को एक साथ होकर एक धारा में चलकर वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है और उसने कमर कस ली है। ये सारी चीज़ें मुझे निकल कर आई है और 15 महीने में जो अपने आप को ठगा ठगा सा महसूस कर रहा था उसको बदला लेने के लिए वो 3 तारीख के लिए तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।